A3 ANR, a sequence such that the ratio of any two consecutive terms, the ratio of any two consecutive terms remains constant, remains constant, then the series formed is said to be a GP. Then the series formed is said to be a GP. ठीक है. अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या हुआ. देखो A2 by A1 is equal to A3 by A2 is equal to A4 by A3 and like this, this is equal to An by An minus 1. देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट है तो इसको हम R मान लेते हैं और इसे क्या कहा जाता है बताओ. इसे कॉमन रेशियो कहा जाता है. जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यहां पे कॉमन रेशियो कहा जाता है. अब केयरफुली देखो A2 अगर तुम्हारा A1 into R है राइट, तो देखो अगला A3 कितना हुआ, A2 into R. अब A2 क्या है, देखो A1 into R, तो A1 into R square लिख सकते हैं कि नहीं. देखो A4 क्या हो जाएगा, A3 into R. अब A3 है A1 R square, तो यहां पुट कर दो तो A1 R cube हो गया. क्यों, तो अब यहीं पे जनरलाइज करो. देखो जब थर्ड टर्म लिख रहे हो R का पावर कितना है 2, फोर्थ टर्म लिख रहे हो R का पावर कितना है 3, तो इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस An क्या लिखेंगे, A1 into R का पावर N minus 1 है ना. तो दिस इज द, यू कैन से द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ अ जीपी, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, करेक्ट कह सकते हैं. अब ये अगर देखो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी है तुम्हारा, तो एक सिंपल सा बात बताओ. अब यहां पे अगर मैंने कोई भी देखो ऐसे लिखा a into r का पावर n minus 1, इस टाइप का अगर तुम्हारा सीक्वेंस है, इफ यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ दिस फॉर्म an इज इक्वल टू a1 into r टू द पावर n minus 1, तो दैट काइंड ऑफ सीरीज द सीक्वेंस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट अ जीपी. तो जैसे ही मान लो मैंने ऐसे लिखा देखो से 3 into 4 का पावर से n minus 1, मैंने a n ऐसे लिखा, तो देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, एक जीपी को रिप्रेजेंट करेगा. सर फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन रेशियो 4, करेक्ट. तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना. अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा से माइनस 3 या 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 का पावर n minus 1 या n, n ही लिख दिया, तो ये इनफैक्ट एक जीपी होगा राइट. यस सर. यहां पे देखो कॉमन रेशियो कितना है, 1 by -2, यानी माइनस हाफ का पावर n, यही ना है. यस. तो यहां पे कॉमन रेशियो क्या होगा, माइनस हाफ होगा. तो लुकिंग एट द सीक्वेंस इटसेल्फ वी कैन से कि ये क्या सिग्निफाई करेगा, करेक्ट. देखो इसमें कोई दिक्कत नो सर. तो ये सबसे पहला बेसिक बात. अब यहां पे देखो अब सम निकालने का तरीका बता रहा है, और ये सम याद रखो खाली जीपी का मेथड नहीं है, ये ऐसा हर सीरीज का मेथड है जिसका एक हिस्सा जीपी बन रहा हो. तो इसे मिटाएं हम बच्चे. यस सर. एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड. यस सर. तो जनरल टर्म ऑफ अ जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस 1. तो अब मान लो मैंने एक जीपी लिखा सपोज जिसका फर्स्ट टर्म से 2 है या 3 है, और कॉमन रेशियो सपोज मैंने बोला हाफ, एंड आई आस्क यू व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म, टेल मी ओरली बोलो सर. 3 by 16. 3 by 16, वेरी गुड. तो देखो a into r का पावर n minus 1 यानी 4, सो दिस विल बी 3 into 1 by 16, सो 3 by 16 इज नथिंग बट द फिफ्थ टर्म. अब एक बात ये समझो कि देखो r हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हें अगला टर्म मिलेगा, और r डिवाइड करेंगे तो पिछला टर्म मिलेगा. यस सर. तो अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो हाउ डू आई राइट एक्चुअली अ सीरीज इन AP, सीरीज के बात कर रहा हूं, और सीरीज क्या होता है, सम होता है. हां सर. तो देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा a है, सेकेंड टर्म क्या होगा, ए आर,
थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर क्यूब, और ऐसे करके बताओ एन माइनस वन एच टर्म क्या होगा और एन एच टर्म नाउ आई हैव अ सीरीज लाइक दिस ओके। अब ये मेथड है याद रखना, जिस सीरीज का भी एक हिस्सा जीपी बन रहा है याद रखो, वैसे दुनिया में जितना सीरीज है सबका सम ऐसे ही निकालना। अभी थोड़ा देर बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। देखो अब ऐसे हर सीरीज को क्या करोगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दो। तो देखो पहला वाला को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा और ये ए आर इसके नीचे नहीं लिख के इसके नीचे लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले को करेंगे तो अब देखो इसको करोगे तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन और इसको करोगे तो ए आर टू दी पावर एन। देखो ऐसा आएगा अब सब ट्रैक करोगे सबको तो सबको सब ट्रैक किए तो देखो वन माइनस आर इन टू एस नाउ दिस विल बी ए। अब ध्यान से देखो ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, खाली ये बचा। तो इसंट इट माइनस ऑफ ए इन टू आर टू दी पावर एन। अब यहां पे देखो एस क्या लिखेंगे, ए कॉमन ले जाओ तो ये वन माइनस आर टू दी पावर एन बाई वन माइनस आर, देखो ये आता है। देखो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये प्योर जीपी का सम है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी देखो यहीं से आता है। देखो a माइनस ए आर टू दी पावर एन बाई वन माइनस आर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो a माइनस ए आर का पावर एन माइनस वन इन टू आर बाई वन माइनस आर, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। बताओ ये कौन सा टर्म है बच्चे? लास्ट टर्म, nth टर्म। राइट, या जनरल टर्म? यस सर। तो a माइनस द nth टर्म इन टू द कॉमन रेशियो बाई वन माइनस आर, देखो दिस इज ऑल्सो यूज राइट। तो तुम ये भी इस्तेमाल करोगे और ये भी इस्तेमाल करोगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन गिवन, करेक्ट। और ये याद रखना ये मेथड ऐसे हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है जहां पे भी सीरीज का एक भी हिस्सा जीपी बना रहा है, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ? एक भी हिस्सा कहने का मतलब मान लो मैंने कुछ ऐसे लिखा से 1/5, ठीक है। अब देखो मैंने यहां लिखा 3/5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5/5 क्यूब। देखो क्या ये प्योर जीपी है बच्चे? हाँ सर, जीपी तो बन नहीं 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 है। प्योर जीपी कैसे नहीं बन? नहीं है, नहीं है सर, सॉरी सर। तो सीरीज जीपी नहीं ना है? नहीं 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 है। लेकिन इसका भी सब हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है? वो कैसे सर? Have patience my boy, have patience, I'll come to it। हाँ, लेकिन तरीका यही होगा, ठीक है, टेंशन मत लो क्योंकि अभी और बहुत सारा चीज सिखाना सब ऑफ जीपी में ही। ये पहले लिखे हो? यस। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल का जवाब दो मुझे। लेट अस टेक अ नंबर स्मॉलर देन वन, सपोज मैंने 0.5 लिया तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25। अब जरा 0.25 का स्क्वायर बताओ। 0.625। एक छोटा सवाल बताओ, मैंने 0.5 का पावर 4 किया, देखो इसका वैल्यू कितना डिक्रीज कर गया। अगर पावर 400 करेंगे तो 1 डिक्रीज बाय 400। पावर को इस खाली सी का नहीं, मान लो 0.9 का स्क्वायर लिया तो कितना होता है? 0.81 का स्क्वायर लगभग 0.064 मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो देखो वेन एवर यू हैव अ फ्रैक्शन एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट रिपीटेडली इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, करेक्ट। अब बताओ 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 4 स्क्वायर 16
16 स्क्वायर 256 का स्क्वायर नहीं आता। कोई बात नहीं, इतना आता है कि ये बहुत बड़ा नंबर होगा। हाँ ये तो क्लियर है, यानी नंबर जब 1 से बड़ा होगा तो उसको जब हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अब देखो वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई मल्टीप्लाई, तो वेरी लार्ज नंबर को जनरली हम कैसे सिग्निफाई करते हैं? इनफिनिटी से करते हैं। yes, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनफैक्ट लिख लो, देखो एनी रियल नंबर रेज्ड टू द पावर इनफिनिटी, देखो व्हाट विल इट गिव यू, इट विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली जीरो इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज स्मॉलर देन 1। यस सर। अब बताओ अगर एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 को तुम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। अरे 1 तुम 10 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 100 बार करो, चाहे 1000 बार करो या 10000 बार करो, आंसर 1 ही आएगा। सर लिमिट में देखे थे सर 1 to the power infinity नॉट डिफाइन बोलता है। नॉट डिफाइन नहीं बेटा, इसीलिए तुम आधा-अधूरा चीज मत पढ़ो, वो होता है व्हेन इट इज टेंडिंग टू, और क्यों वो इनडिटरमिनेट है, अनडिफाइंड नहीं, इनडिटरमिनेट है। वो क्यों है उसका आंसर तुमको यहीं पे मिल जाएगा। देखो ये जो हम सिखा रहे हैं, अब देखो एग्जैक्ट 1 जब है कोई भी, ये बात याद रखना, तो इट इज ऑलवेज 1। अब देखो जैसे ग्रेटर देन 1 हुआ तो अब ये रिजल्ट बढ़ते आएगा। yes, sir. और हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे सवाल का जवाब ये रहा आयुष। अगर मान लो मैंने ऐसे कुछ लिखा, ध्यान से देखो, और डिवाइडेड बाय 3 और पावर मान लो मैंने 4/x ली थी। अब जरा ध्यान से देखो, As x is approaching 0, correct? Yes. अब 2 का पावर 0 tends to 1. क्या exact 1 होगा? ये कह सकते हो? नहीं, नहीं. ये tending to 1 है? हाँ सर. ये भी tending to 1 है? तो 1 plus 1 plus 1 tending to कितना हुआ? 3? 3. 3 by 3 tends to कितना होता है? 1? 1. अब देखो ये bracket के अंदर वाला पूरा quantity tending to 1 है. ये 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा तुम जानते हो? नहीं सर। अब ये टेंडिंग टू 1 का पावर 4/0 क्या हुआ? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सर। तो ये इट बिलोंग्स टू नो डाउट द टाइप 1 टू द पावर इन्फिनिटी, बट कैन आई श्योरली से इट इज 1? नो सर। कैन यू से इट इज लेस देन 1 ये ब्रैकेट के अंदर वाला? नहीं सर। क्या 1 से बड़ा होगा ये कह सकते हैं? नहीं सर। तो जब तुम कुछ नहीं कह सकते हो तो इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इट कैन बी इंफिनिटी आल्सो, इट कैन बी 1 आल्सो, एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज इनडिटरमिनेट। अब समझ में आया? तो ये 12th में पढ़ोगे, परेशान मत हो, अभी भी अभी जितना काम का चीज है बस उतना ही बता रहा हूँ। अच्छा ये लिख चुके हो? Yes, हाँ, कोई भी फ्रैक्शन जो 1 से छोटा उसका कितना भी पावर ले लें इंफिनिटी उस समय वो हमेशा जीरो देगा। It will tend to zero, remember. Tend to zero. उसका कारण है, देखो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी का हम कितना भी बड़ा पावर कर दें कम होते आएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। एब्सोल्यूट जीरो होगा क्या? नहीं। अब मान लो ऐसा आया कि 0. मान लो कोई नंबर ऐसे आया 0000000 मान लो 1 आया, तुम इसको क्या कहोगे? Attending to 1. अरे इसको approximately 0 ही ना लिखेंगे। बोले ठीक है। अच्छा ये लिख चुके हो? Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं इसी में, अब ये टर्म हटा के अब मैंने कर दिया यहाँ पे देखो, और मैंने लिखा अप टू इंफिनिटी, तो अब ये कॉन्सेप्ट जीपी हो गया, इनफाइनाइट जीपी। करेक्ट। अब इनफाइनाइट जीपी है तो अब इसका देखो लिखने का एक तरीका होता है, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं प्रॉपरली? नहीं, नहीं, नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने का खाली नोटेशन में बता रहा हूं। देखो लिमिट
एल आई एम खाली लिखूंगा, मतलब लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल ए आर टू द पावर एन माइनस वन। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया बताओ, लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी ए एन टू वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर, ये हुआ कि नहीं? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? अब इसके अब ये देखो n अगर अप्रोचिंग इंफिनिटी है तो ये r का पावर बहुत बड़ा नंबर है या हाँ या ना? हाँ सर आएगा। तो अब ये बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो अगर तुम्हारा वन से छोटा है तो अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी। यस सर। और फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी क्या होता है, कौन सा बोलो? तो वही जब ये बता रहे थे। देखो लिमिट अगर n अप्रोचिंग इंफिनिटी है तो a इनटू 1 माइनस r का पावर n बाय 1 माइनस r है। इफ देखो तीन केस पॉसिबल है, देखो जब भी कोई भी चीज का पावर इंफिनिटी होगा तो ये तीनों केस तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो ये अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। Yes, sir. तो इफ मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1 तो ये a बाय 1 माइनस r, देखो ये समय yes, लेकिन जब r इक्वल टू 1 है, एग्जैक्टली 1 जब है, मॉड्यूलस ऑफ r 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 ये 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। हाँ. तो क्या सम एग्जिस्ट करेगा? नहीं, नहीं करेगा। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ r अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये इंफिनिटी हो गया। yes, और इंफिनिटी क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। तो फिर बस पहला कंडीशन। तो हम ऐसे कहेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ आर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम सीधे कहेंगे कि सम डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, मॉड्यूलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1 और तभी उसका सम a by 1 minus r होगा, राइट? अगर मॉड्यूलस ऑफ r 1 या उससे बड़ा है तो इन दैट केस दैट इनफाइनाइट जीपी सम इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। देखो आई होप यू दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। यस सर। चलो लिख लो बच्चे, मैं पहले अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो सब कुछ समझ में आ रहा है? yes, सोनाली आयुष अभी रहे? आयुष गुप्ता? हाँ सर आ रहा है। गौरव? यस सर आ रहा है। निश्चल? मैत्री? ऋषभ? सर कुछ आवाज आ रहा है, किसी का माइक ऑन आ रहा है सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अक्षिता? यस सर। अच्छा तुम्हारा माइक से शायद ना है सारा, दिखाई दे रहा था सब क्लियरली? यस सर। ओके चलो माइक को म्यूट कर लो, ठीक है बच्चे। नाउ लेट्स टेक अप सिंपल एप्लीकेशंस। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम एलिमेंट्री लेवल ले रहा हूँ, या पहले दो चार बात इस पे और बता दें जीपी पे, बता दीजिए बात बात सब पे, ठीक है बता दीजिए फिर। अच्छा क्वेश्चन बताइए। नहीं अच्छा क्वेश्चन अभी नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग के लिए जो थोड़ा अच्छा अभी अच्छा क्वेश्चन के लिए बहुत थ्योरी मिक्स होगा बच्चा, ठीक है। हाँ सर अभी तो हम लोग एलिमेंट्री प्रॉब्लम ही ले सकते हैं, मैंने बोला ना तीन चार क्लास अभी बेसिक ही पढ़ोगे। हाँ सर
चलो मिटा इसको। यस सर। हालांकि जे मेन वगैरह में ये जो बता रहा हूँ एलिमेंट्री पार्ट, इसी से सवाल आता है। अब देखो अभी ये बात भी याद रखना, देखो जैसे अभी मेरे को ध्यान आया जे मेन का एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया था, ऐसे दिया था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2³ up to 1/2 n-1 और 1 + 1/3 + 1/3² like this 1/3 to the power n-1 देखो ऐसे दिया था। तो यहां देखो इनफाइनाइट जीपी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये दिया हुआ है मतलब यही ना दिया हुआ है। यस हाँ वही चीज है। तो यही चीज है दोनों। तो इसका स्थान क्या होता है बोलो, a by 1 minus r। यस सर। तो यहां देखो a कितना है बच्चे, 1 r कितना है, 1/2। तो क्या हम इसे 1/1 - 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं देखो यूजिंग द सम ऑफ इन्फिनिट जीपी। और ये 1 - 1/3 हो गया। yes, तो देखो 1/2 क्या हो गया 2 और 1/2/3 क्या हुआ 3/2। तो देखो आंसर 4/3 आ गया। तो देखो आई थिंक हार्डली इट विल टेक 5 सेकंड्स टू आंसर। सर ये जी हम लोग चेक किए दैट मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 और नॉट। हाँ वो दिख रहा है बच्चे 1/3 बन से कॉमन रेशियो फ्रैक्शन। तो ऐसा नहीं है जी, मेन के लेवल में तुम्हारा एलिमेंट्री लेवल ही क्वेश्चन आता है। तो ये तो सर आसान था। देखो सॉल्व होने के बाद बेटा हर क्वेश्चन आसान लगता है। नहीं सर आप जब लिखे ना तो भी मतलब समझ गए थे कि वन माइनस हाफ होगा क्योंकि आराम से रेशियो कम दिया है। इस वाले टेस्ट में देखते हैं क्योंकि मैंने इस वाले टेस्ट में भी बहुत आसान सवाल दिया है। ठीक है। यस सो कब है अब ये सर बताएंगे विक्रम सर। सर लॉग का भी क्वेश्चन आया। अब ये मेरे को याद नहीं यार, अब तुम पहले इस पे फोकस करो। अब मैंने इसको मिटा कह दिया यार, T1 T2 T3 और इधर का भी मैं कुछ टर्म लिखता हूं। देखो ए आर का पावर एन माइनस वन ये हो गया तुम्हारा टीएफ। क्यों ए आर टू दी पावर एन माइनस टू क्या लिखोगे, टी एन माइनस वन। टी एन माइनस टू विल बी हाउ मच, ए आर टू दी पावर एन माइनस थ्री। देखो ऐसा होगा कि नहीं बताओ। हाँ सर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीपी पहले लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ जीपी। रेडी। देखो हम पहले समझा रहे हैं, देखो टी वन इंटू टी एन कितना हुआ बच्चे, देखो फर्स्ट और लास्ट ए स्क्वायर आर एन आर टू दी पावर एन माइनस वन। टी टू टी एन माइनस वन कितना होगा बोलो, सेम सर ए स्क्वायर आर एन माइनस वन आर का पावर वन और ये देखो आर का पावर एन माइनस टू मिला दो तो आर का पावर एन माइनस वन। सर कॉन्स्टेंट देखो अब बताओ एपी में क्या था, सम कांस्टेंट था, सम कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट। तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीपी लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट, equidistant from the end points of a GP, equidistant from the end points of a GP remains constant, remains constant, remains constant, right? अब इसको generalize कैसे करेंगे? तो देखो इसको जनरलाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो 1 2 3 देखो ऐसे करोगे तो हम इसको जनरल टर्म टी आर लिखेंगे क्योंकि ये एपी है। एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक अनदर एपी और इसको लिखोगे एन माइनस आर प्लस वन तो दैट इज ए स्क्वायर, इनफैक्ट के लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, टी के इंटू टी एन माइनस के प्लस वन ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस वन। देखो ये होता है
अब बताओ एक पेयर का प्रोडक्ट, एक पेयर का प्रोडक्ट अगर इतना है, अब सारे पेयर्स का प्रोडक्ट मतलब सारा पूरा जीपी का प्रोडक्ट कितना होगा? तो ये बताओ अगर तुम्हारे पास 10 जूते हैं, मतलब कितना पेयर ऑफ शूज है? 5, तो 5 इंटू वो होगा ए स्क्वायर इंटू आर एन, तो पावर 5 खाली कर देंगे। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स विल बी हाउ मच, ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी, नाउ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल n माइनस n नहीं बचे n बाय 2। देखो मैंने बोला ना कि 10 जूते हैं तो पेयर कितना है? 5। अगर ऑड नंबर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम वैसे ही लिख दोगे 125, मान लो ऑड नंबर आया तो बाय 2 लिख दोगे, ठीक है? तो a टू दी पावर n r का पावर n इनटू n माइनस 1 बाय 2, ठीक है? तो ये बात याद रखना, और ये सब जो प्रॉपर्टीज बता रहा है सब क्वेश्चन में यूज होगा, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी। टीके वाला नहीं समझ में आया, टीके इनटू टी एन माइनस के प्लस 1 है ना? अच्छा ठीक है, ये बताओ देखो 1 2 3 एक एपी है बच्चे, अब बताओ एनएच टर्म का, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 है। तो केएच टर्म क्या लिखोगे बताओ? इसका केएच टर्म हम क्या लिखेंगे बोलो? वन प्लस के माइनस वन इंटू वन कितना आया? अब देखो यहाँ एन एन माइनस वन एन माइनस टू है, अब ये अगर है तो अब बताओ ये इसका के टर्म क्या लिखोगे? एन प्लस के माइनस वन और यहाँ कॉमन डिफरेंस माइनस वन है, तो इसे क्या लिखेंगे बोलो? ठीक है देखो तो ऐसे लिखा, एक्चुअली देखो अब एपी खत्म हो गया बेसिक लेवल, मतलब जनरल टर्म यू शुड बी एबल टू राइट इट जस्ट बाय सीइंग, उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, मतलब देखोगे और एनएच टर्म लिखोगे। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 1 4 7 ऐसे लिखा, तो डायरेक्ट ओरली तुम कैलकुलेट कर लो 1 + k - 1 * 3 यानी कितना हुआ 3k - 2, तो सीधे हम ऐसे लिखेगा कि 3k - 2 है। अब देख के तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ बेटा ये है इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला, उसका रीजन है क्यों हम ये सब बोल रहे हैं। ये हो गया बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी, मिटा दें इसको। हाँ सर, सर 2 सेकंड बाद। हाँ सर रुक गए, 2 सेकंड हो गया तेरा, आइए हो गया मिटा दीजिए सर, जब तक मिटाएं तब तक लिखना है। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैंने हर टर्म को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, मान लो तो मान लो मैंने लिखा देखो KA KAR k टाइम्स ऑफ AR स्क्वायर k टाइम्स ऑफ AR क्यूब, बताओ क्या ये जीपी है? yes, क्या yes, इसका कॉमन रेशियो में कोई बदलाव हुआ? नहीं सर। अगर मैंने डिवाइड भी किया देखो AR by k AR स्क्वायर by k, देखो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं सर। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये लिखो, इफ ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय are multiplied or divided by any non-zero constant k, then also the series remains in GP with unchanged common ratio, ठीक है? बात समझ में आया बच्चे? ये सब वेरिएबल वाले क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होगा। अब अगला देखो प्रॉपर्टी, अगर मैंने सभी का कोई पावर डाल दिया, देखो ए आर का पावर के ए आर स्क्वायर का पावर के ऐसे लिखा,
तो यहाँ पे देखो a टू दी पावर k, a टू दी पावर k इनटू r टू दी पावर k, r टू दी पावर 2k, देखो ऐसे लिखा। देखो ये सीरीज बच्चे अभी भी जीपी है कि नहीं है बोलो। है सर, कॉमन रेशियो बस प्रॉब्लम है। बदल गया r k, r टू दी पावर k हो गया। लिखो लिखो, इफ ऑल टर्म्स ऑफ अ जीपी, if all terms of a gp are raised to any non zero power, are raised to any non zero power, then also the series remains in gp, then also the series remains in gp, theek hai। अब देखो जैसे एक्स वाई जेड अगर मान लो एपी में है तो रूट एक्स रूट वाई रूट जेड क्या बनाएगा, जीपी ना बनाएगा, या क्यूब रूट ले लिया तो भी वो जीपी बनाएगा। अब जरा यहां ध्यान दो, अब मैं सारे टर्म्स का लॉग ले रहा हूं, तो देखो लॉग का प्रॉपर्टी से पहला टर्म क्या होगा बताओ, लॉग ए, ये लॉग ए प्लस लॉग आर होगा, लॉग ए प्लस लॉग आर ऐसा लिखे, log a प्लस थ्री टाइम्स ऑफ log r ऐसा लिखें। देखो ऐसा लिखें, अब बताओ बच्चे ये सीरीज क्या है, ap, वेरी गुड। तो देखो ये logarithm ऑफ the टर्म, तो अगला प्रॉपर्टी लिखो logarithm ऑफ the टर्म्स ऑफ a gp, logarithm ऑफ the टर्म्स ऑफ a gp विल ऑलवेज फॉर्म एन ap, logarithm of the terms of a gp will always form an ap, ठीक है। अब देखो तीन numbers मान लो, three numbers if a b c are in gp, देखो क्या मैं numbers को ऐसे लिख सकता हूं a a r a r square, बहुत carefully देखना इसमें। Yes sir, तीनों number को मैं ऐसे लिख दिया, अब बताओ मैंने मिडिल नंबर सबके साथ जोड़ दिया, तो मिडिल नंबर सबके साथ जोड़ दिया, देखो a प्लस ए आर ट्वाइस ऑफ ए आर और ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, देखो ये आया कि नहीं बताओ। yes, sir. मैंने एपी जीपी कुछ नहीं लिखा, याद रखो यहीं तक जीपी है, अब मैं मिडिल नंबर खाली मॉडिफाई कर रहा हूं, अब इसका रेसिप्रोकल लो, तो देखो रेसिप्रोकल क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना। yes, yes, अब जरा चेक करो डिफरेंस चेक करो, तो देखो वन बाई ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस वन बाई ए इंटू वन प्लस आर, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, टेल मी एलसीएम क्या होगा बच्चे, उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे डायरेक्ट करते हैं। हाँ देखो ये लिखेंगे। yes, अब यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस आर आएगा, ए माइनस वन प्लस, और यहाँ क्या आएगा टू आर। Yes, तो वन माइनस आर बाय ट्वाइस ऑफ ए आर इंटू वन प्लस आर, देखो यह है। yes, अब देखो दिस माइनस दिस कितना हुआ, माइनस वन बाय ट्वाइस ऑफ ए आर, ये भी कैलकुलेट करो, देखो एलसीएम उतना ही आया, ट्वाइस ऑफ ए आर इंटू वन प्लस आर, देखो दिस इज योर एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे टू माइनस वन माइनस आर, यानी इट विल बी वन माइनस आर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए आर इंटू वन प्लस आर। अब मार्क करो क्या ये दोनों बराबर है। yes, sir. इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल्स क्या फॉर्म किया, एपी फॉर्म किया। yes, sir. जब रेसिप्रोकल्स एपी फॉर्म करे तो ओरिजिनल सीरीज क्या सिखाया था, एचपी। yes, sir. यानी ये क्या है, एचपी। तो अब इसको जनरलाइज, मैं अब तुम लोग लिखो, मैं बोल रहा हूँ। सर बस कुछ पूछना था सर, वो टर्म्स कट जाएगा क्या, ए आर और आ, उसमें जैसे पहला वाला आप जो डिफरेंस लिए हैं तो ऊपर जब हाँ, कैलकुलेट करते हैं ये तो आया सर, उसमें ए कट जाएगा क्या। अरे ए कटेगा क्यों, ए तो नीचे रह जाएगा यार। नहीं ऊपर भी जैसे ए आएगा ना, ऐसे एलसीएम लेके कर रहा तो ए कॉमन आ जाएगा, तो नीचे से ए कटेगा क्या, बस पूछ रहे हैं। अब तुम ऐसा अगर तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन में डाउट पूछोगे तो गड़बड़ है, एल्स दोनों तुम फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो बच्चा,
देखो ये दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस टर्म, यही ना न्यूमरेटर में होगा। हाँ सर। तो एलसीएम ये है, इसको डिवाइड करो 2ar से, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस आर। ओके सर, अब तुम ठीक है सर, एकदम गलती करोगे तो कैसे होगा बताओ। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से लिखना, लिखो इफ ए बी सी आर एन जी पी, इफ ए बी सी आर एन जी पी देन ए प्लस बी टू बी एंड बी प्लस सी will form an HP, ठीक है। देखो ए बी सी अगर GP में है right? तो then you will say that A plus B to B and B plus C will form an HP. अब हम इसका उल्टा पे आते हैं, तो देखो अब आगे लिखो कि if A B C are in HP, लिख लो हम समझा दे रहे हैं, इफ ए बी सी आर इन एच पी देन ए माइनस बी बाई टू बी बाई टू एंड सी माइनस बी बाई टू आर इन जी पी। देखो ये भी इसी प्रॉपर्टी से आता है, देखो ध्यान से, ये तीन टर्म मेरा जीपी बना रहा है। हाँ सर। अरे हाँ है। अब मैंने यहां पे देखो इस प्रॉपर्टी के तहत क्या किया था, मिडिल टर्म तीनों में ऐड कर दिया तो क्या बन गया एच पी। तो यहां मिडिल टर्म क्या है, बी बाई टू, बी बाई टू तीनों में ऐड करो क्या आता है, देखो पहला वाला ए हो गया, बी कॉमा सी, देखो एच पी आ गया। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अगर इवन नंबर हुआ तो ये तीन के लिए लगना है बच्चा, तुम अपने मन से चार वाले में मत लगा दे। हाँ ट्रिपलेट करके ही लगेगा, मतलब मान लो ए बी सी डी है तो ए बी सी पे पहले लगाओगे फिर बी सी डी पे लगाओगे। अच्छा ठीक है, मतलब इट विल बी अप्लाइड इन ट्रिपलेट्स ओनली। Yes. Did you understand this property? Yes, sir. Okay. Should I rabal? हाँ सर। यार। लिख लो लिख लो। हाँ ठीक है। और ये सब ऐसा केस है जिसमें पुट करके हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, याद रखो। सर मतलब एचपी फॉर्म क्या, मतलब सर मतलब कुछ उसमें क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या रेसिप्रोकल्स फॉर्म एन एपी। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ ठीक है सर, जैसे सीरीज सिखाया बोला ना, नाम बताया था एपी जीपी एचपी एनजीपी, वो भी पढ़ाया ना, टेंशन नहीं लीजिए। बात कौन सा बोले, एजीपी। अच्छा वो कंबाइंड रहता है मैथमेटिकल। अब हो गया। तो अब अगला प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैं फिर से यहां पे ले रहा हूं। देखो मान लो मैंने एक जीपी लिया, ए ए आर ए आर स्क्वायर ऐसे करके लिखा, ठीक है। दूसरा जीपी लिया, देखो बी बी इंटू आर वन, ओके बी आर वन का स्क्वायर ऐसे लिखा। अब देखो दोनों को तुम अगर मल्टीप्लाई कर देते हो इंडिविजुअल टर्म्स को, तो देखो आर आर वन ए बी इंटू आर आर वन का स्क्वायर देखो होता है। देखो ये सीरीज क्या फॉर्म किया, जीपी फॉर्म किया। यस सर, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो डिवाइड हो जाएगा। तो अगला प्रॉपर्टी ये लिखो, the product or the ratio of the terms, the product or the ratio of the terms of two or more than two, of two or more than two different GPs, two or more than two different GPs is also a GP.
is also a GP, correct? अब एक और छोटा सा बात लिख लो. लिखो, टू नंबर्स इन जीपी शुड ऑलवेज बी टेकन एज ए बाई आर ए आर. देखो, दो नंबर जब भी लोगे ऐसे लोगे, अगर तीन नंबर लेंगे तो ऐसे लेंगे. देखो, ए बाई आर ए ए आर, करेक्ट. अगर चार नंबर अगर हमको लेना है जीपी में, तो देखो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर और ए आर क्यूब. देखो यहां ये बात गौर करो, देखो जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टर्म्स को, देखो आर कैंसल आउट हो जा रहा है पूरा, हाँ है ना? यस सर. देखो इवन नंबर ऑफ नंबर्स जब भी हमको लेना है तो कॉमन रेशियो देखो आर स्क्वायर का मेंटेन करेंगे, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स लोगे तो हमेशा मेंटेन करोगे कॉमन रेशियो ऑफ आर. ओके, देखो दिस इज हाउ यू विल कंसीडर नंबर्स इन एपी. अब लोगों पहले इतने पार्ट के ऊपर कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस कर लिया जाए, ठीक है? ठीक है सर. क्योंकि अभी ही अगर हम सब मिक्स कर देंगे ना तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, पता चला जिसलिए हम सिखा रहा है वो सब बेकार हो गया. रेडी? यस सर. चलो क्वेश्चन लिखो. पहला एकदम फंडामेंटल फॉर्मूला पे, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज सेवन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज सेवन. एक मिनट सर, कॉपी. यस सर. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज सेवन, ओके, द nth टर्म nth term is 448, nth term is 448, and sum of first n terms, and sum of first n terms is 889. Then find the fifth term of this sequence. Find the fifth term of this sequence. Sum of n terms is 887 na. 889. अच्छा, ऊपर मैंने लिखा. सर नहीं, तो बताओ यहाँ. हाँ बोलो. नहीं ठीक है, छिप जा रहा था सर. क्या हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम लगने का मतलब तुम लोग 112 बिल्कुल सही है. और कितने लोग का है? Anybody else? Yes sir, 112. यस सर, यस सर. देखो जो लोग अभी तक आंसर नहीं दिए ध्यान से देखो बच्चे, मैंने दो फॉर्मूला सिखाया. देखो एक ये सिखाया और एक ये भी सिखाया. देखो nth term into r by 1 minus r. देखो मुझे ऑलरेडी nth term दिया हुआ है तो आई शुड यूज दिस नॉट दिस. अब देखो दोनों में प्रॉब्लम क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं. देखो 889 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाय 1 माइनस आर. बताओ इस इक्वेशन से क्या आर निकालना आसान है? ये nth डिग्री का इक्वेशन है, बोलो. तो दैट इज व्हाई दिस मेथड आई विल नॉट फॉलो. अब यहां देखो SN इज 889 is equal to 7 माइनस nth टर्म तुम्हारा दिया हुआ है 448 टाइम्स आर by 1 minus r. देखो ये degree 1 equation है. Yes sir. देखो this is certainly easier to solve. Yes or no? Yes sir. So this times r is equal to 7 minus of 448 r. इसको right में ले आओ. तो 882 441 r. तो r देखो 2 आ गया. तो इसीलिए देखो फॉर्मूलाज दोनों है और दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे?
तो आप बताओ सेवेंथ टर्म पूछा है कि कौन सा पूछा है? फिफ्थ टर्म. तो देखो ए फाइव विल बी ए एन टू आर टू द पावर फोर. तो सेवन इंटू टू का पावर फोर यानी 16 इंटू सेवन कितना हुआ 112. तो फॉर्मूला सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है. ये एपी में भी तुमने देखा था. चलो अगला सवाल लिखो. फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी. फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी हैविंग प्रोडक्ट 216 एंड सम 19 एंड सम 19. यस सम 19. प्रोडक्ट क्या है सर? 216 और सम. तो देखो 19 19. देखो तीन नंबर जीपी में कैसे लेंगे बच्चे. तो देखो पहला अजम्पशन देखो हम ये लिखेंगे. हाँ या ना सर? आप बता रहे हैं. नहीं चलो तो हम खाली पहला स्टेप बता दिया. देखो तीन नंबर जब भी इसीलिए वो जो लास्ट में बताया ना उसका सिग्निफिकेंस बोल रहा हूं. दो नंबर बोलता तो ए बाई आर ए आर ही लेते. ठीक है टेल मी द आंसर. क्वाड्रेटिक आ रहा सर. सर निकालना क्या है सर? नंबर निकालना है यार. ठीक है सर. ठीक सर सम 19 है. हाँ तुम कैलकुलेशन चेक करो अक्षर. Why you are taking the 964? सर फोर सही है तुम्हारा. यस हाँ बिल्कुल सही है. देखो ये 216 दिया हुआ तो ए क्यूब तुम्हारा 216 यानी ए 6 आ गया. अब देखो ए अगर 6 है तो मेरा नंबर है 6 बाय आर 6 और 6 आर. देखो यही ना है. यस सर. ये मेरा नंबर हो गया. अब इन तीनों का सम देखो 6 बाय आर प्लस 6 प्लस 6 आर एंड दैट इज इक्वल टू 19 करेक्ट? Yes, sir. तो देखो 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर. ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. तो अब ये देखो माइनस 13 आर प्लस 6 जीरो आ गया. Yes, sir. फैक्टराइज खाली करना है तो देखो माइनस 9 आर माइनस ऑफ 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो. तो देखो 3 आर माइनस 2 इंटू 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. तो R का वैल्यू या तो 2 बाई 3 है या 3 बाई 2 है. देखो दो पर. और नंबर्स वाले केस में हमेशा ऐसा आएगा याद रखना. तो पहला केस में अगर R को तुमने 2 बाई 3 लिया ठीक है क्या पुट कर दो तो 6 बाई 2 बाई 3 कितना हुआ 18 बाई 2 यानी 9. Yes, 6 तो देखो 6 इंटू 2 बाई 3 इज हाउ मच 4. तो अगर R इतना है तो नंबर्स ये हो गया. R अगर 3 बाई 2 है तो देखो 6 बाई 3 बाई 2 कितना हुआ 4. तो 4 6 9 देखो या तो नंबर्स 964 है या 469. अंडरस्टूड? यस सर. सर कभी कभी सर ये जो सम में जो था ना सर वो कभी कभी कोई कोई में लिखा रहता था 1 माइनस आर बाई एन आर टू दी पावर एन और कभी कभी उल्टा लिखता आर टू दी पावर एन माइनस वन. रेशियो कम रहता है. अब ये बताओ तुम इधर माइनस कॉमन ले लेंगे ना दोनों से. अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्या इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बोलो. ओ ओ हाँ ठीक है ठीक है. तो दोनों एक ही चीज नहीं है? हाँ. क्या दोनों में कोई अंतर है बच्चे? नहीं सर. तो स्कूल बताता है कि आर वन से कम रहता है मॉडुलस ऑफ आर का वैल्यू. हाँ सर. हाँ क्वेश्चन के हिसाब से तुम जज करके लिख लेगा और कुछ नहीं है. तुमको जो अच्छा लगे वो लिखो ठीक है लेकिन घूम फिर के आंसर एक ही आएगा ये जान लो.
सर को इससे अच्छा एक ही जो आप लिखा है वही याद रखो ना तो कंफ्यूज हो। हाँ, और एक ये भी बताया ना a माइनस n स्टार इनटू r बाय 1 होगा सर। हाँ यस सर। चलो मिटा इसको। यस सर। अभी रुको, अभी एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोग को अभी कई सारा हम करवाएगा, इसलिए अभी तुम लोग फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताते जाओ, ठीक है? लिखो, देखिए कौन सबसे पहले आंसर देता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन जीपी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन जीपी हुज सिक्स्थ टर्म, राइट, सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 5। बोलो आंसर। क्या 5 to the power 11? वेरी गुड। हाँ सर। बाकी लोग को समझ में आया? यस सर। एंड पॉइंट से लेके किया एंड पॉइंट से भी ले सकते हो। देखो दो तरीके से तुम सोच सकते हो। देखो सिक्स्थ टर्म, देखो 11 टर्म लिखना है तो ये मान लो a, तो ये ar² ar³, ठीक है, ar⁴ और ये ar⁵। देखो 5 इधर, यहाँ a बाय r का पावर 5, a बाय r का पावर 4, a बाय r का पावर 3, a बाय r² एंड a बाय r। देखो ये टर्म्स होगा। यस सर। देखो ये टर्म 5 है। देखो इनफैक्ट इन सभी का प्रोडक्ट क्या हुआ, a का पावर 11 हुआ कि नहीं? यस। देखो डायरेक्टली आ गया, तो a इज हाउ मच, 5। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। और जो सर वो वाला आप जो बताए थे उससे भी ना? हाँ उससे भी आएगा, उससे भी आएगा, इससे भी आएगा, दोनों से आएगा। लिखो फाइंड द सम अप टू एन टर्म्स ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट जीपी है क्या? नहीं, 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 नहीं। तो अब एक बेसिक ट्रिक, एक दो चीज हम बता रहा है, ध्यान से सुन लो। वो काम आएगा ऐसे टाइप का जब नंबर्स होता है ना उसमें। हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का अप्रोच देखो, फिर मैं वो जनरल बात करूंगा। डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तुम 7 कॉमन ले जाओ, तो क्या ये 1 + 11 + 111 + 111 देखो ऐसे बनता है? यस सर। अब इसको 9 मल्टीप्लाई करो, 9 डिवाइड करो, तो देखो 9 + 99 + 999 + 9999 देखो ऐसे आते आ रहा है। Yes, sir. 10 -100 -1। तो देखो इसको जीपी में एक्चुअली कन्वर्ट करना होता है। 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1। देखो इसको लिखेंगे ये 10⁴ - 1, तो nth वाला क्या होगा बोलो? n 1 - 1। तो अब यहां देखो ये प्लस वाले सारे टर्म्स जो है जो जीपी बना रहे हैं उनको इकट्ठा कर लो। यस सर। और 1 को माइनस करो, क्या लिखोगे बोलो? सर इसका सम माइनस एन, लेट माइनस एन, तो -1 - 1 एन टाइम्स एन हो गया। अब देखो ये जीपी का सम लिखना आसान है कि नहीं? Yes, क्या लिखेंगे बताओ? 10 × 1 - 10 right? अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आया। Yes, sir. तो वो माइनस यूज करके हम इसको उल्टा कर देंगे, तो देखो 7 / 9 10 × 10⁻¹⁹ देखो ऐसा। तो वो 7 / 9 कैसे आया था ऊपर में? 7 कॉमन लिए। यस सर। अब 9 मल्टीप्लाई करो पूरे से तो डिवाइड भी करोगे? ओके। देखो 77 है, इसको 7 × 11 लिख सकते हैं बच्चे, ये देखो। हाँ सर। तो ये 7 / 9 बाहर रखो, तो ये 7 / 9 × 99 लिख सकते हैं।
सर डायरेक्ट उसको 1 प्लस 11 को भी ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 1 प्लस 10 प्लस 1 वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाता है 100 प्लस 10 प्लस 1 की हाँ, क्योंकि वो आगे वॉट टूटने लगेगा, 100 को 100 लाइन को 100 प्लस 10 प्लस 1 ऐसे करके फिर तोड़ना पड़ेगा और फिर आगे भी और हाँ, 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 वो हर टर्म एक इंडिविजुअल जीपी हो जाएगा फिर। यस सर, यस सर, इसमें तो दिमाग देखो, चलो मिटाए इसको, मिटा दीजिए सर। यस सर, मिटा दीजिए, लिखो हो गया तो? हाँ सर, हाँ सर, ओके। देखो जो जनरल केस जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा था, देखो वो चीज भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ दूसरे क्वेश्चन में। अगर मान लो कभी, ये बात याद रखना, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, सपोज 3 3 3 3 3 ऐसे अप टू एन टर्म्स, मतलब ये नंबर है एन डिजिटेड नंबर है, हर डिजिट 3 है, तो ऐसे नंबर्स को इनफैक्ट जीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होगा जिसमें ऐसे नंबर्स इन्वॉल्व होगा। अब देखो इसका लॉजिक यहीं पे है, देखो अगर 333 है तो क्या मैं से 300 या उल्टा ही लिखो 3 + 30 + 300 ऐसा लिख सकते हैं? अब ये बताओ क्या ये 3 कॉमन लेने के बाद 1 + 10 + 10 स्क्वायर, देखो ये एक जीपी बना के नहीं? यस सर। अगर मान लो 4 × 3 है तो क्या हमें से देखो 3 + 30 + 300 और +3000 देखो लिख सकते हैं? यस सर, यस सर। तो ये 3 ले जाएंगे तो ये 1 + 10 + 10² + 10³ देखो ऐसा होता है? यस सर। तो ये इसका मतलब ये भी एक जीपी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? यस सर, हाँ सर। तो अब इसको हम लोग क्या लिखें बताओ? 3 × 1 + 10 + 10² + …10⁻¹⁹ n minus 1 देखो यहाँ 4 डिजिट था तो पावर 3 हाँ, n minus, यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ 2 है, yes, sir. तो यहाँ n डिजिट है तो कहाँ तक n minus 1 n minus 1 अब बताओ इस जीपी का सम कितना हुआ बच्चे? सर 3 × 10⁻¹⁹ सर n, यस सर। तो isn't it 3 × 9 × 10⁻¹⁹ Yes, sir. तो देखो जब भी ऐसा बड़ा नंबर होगा तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन में कई बार क्या होगा कि देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, तो तुम कैसे निकालोगे? इंडिविजुअली हर नंबर को ऐसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है? Yes. ये समझ में आया पहले? हाँ सर, मिटा दीजिए क्वेश्चन दे दी। हाँ क्वेश्चन ही दे रहा हूँ लेकिन वेट कर रहा हूँ तुम लोग का लिखने का। सर लिख लिए, ओके तो मिटा दी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। Suppose A, B, C are in AP. Suppose A, B, C are in AP.
a square, b square, c square are in GP. And a square, b square, c square are in GP. With a less than b less than c. With a less than b less than c. If the sum of the of ABC is 3 by 2. With A less than B less B than less, C. Yeah. Or A plus B plus C 3 by 2. They go. Then find A. They go, ye AP mein hai. Saath mein A less than B less than C. Yani A sabse chota hai. Okay. A square, B square, C square. Ye GP hai. Or A plus B plus C 3 by 2. ठीक है, तो अब तुम्हें ए का वैल्यू निकालना है। अब यार ध्यान से देखो, जैसे ही तीन नंबर्स का सम दे दिया तो तुम हमेशा इसको कैसे लिखोगे, नंबर्स को बताओ। ए को हम बी माइनस डी मान लेंगे, देखो, और ये सीक्वेंस फॉलो हो इसके लिए डी तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? ये समझ। तो अब बताओ यहां से 3b is equal to 3 by 2, यानी b कितना हो गया? हाँ। अब एक बात बताओ, अगर तीन नंबर अगर GP में है, a, b, c, ये अगर GP फॉर्म करता है, तो b by a equal to c by b, यानी b square equal to ac होता है? देखो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं? Yes, sir. तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि नंबर्स आर, देखो हाफ माइनस डी, हाफ और हाफ प्लस डी, देखो यही ना मेरा नंबर्स होगा। यस सर। अब इनका जो स्क्वायर है वो जीपी में है, तो देखो सिंस इट इज फॉर्मिंग अ जीपी, बी टू द पावर 4 इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। सो बी स्क्वायर विल बी प्लस माइनस ए सी, प्लस माइनस ये होगा। Yes. अब देखो पहला पहला केस में अगर b स्क्वायर इक्वल टू ac लिया तो दिस मींस व्हाट, b स्क्वायर यानी 1 by 4 इज इक्वल टू देखो 1 by 4 माइनस d स्क्वायर, यानी d जीरो आ गया, ये तो पॉसिबल है। फाइंड आउट कैसे? a देखो ये पॉसिबल है नहीं? तो अगला केस में b स्क्वायर इक्वल टू माइनस ac लो, तो यहां से 1/4 इज हाउ मच, माइनस ऑफ दिस यानी डी स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, तो डी स्क्वायर कितना हुआ? हाफ, तो डी प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, देखो ये होता है। यस सर। लेकिन ये भी मैंने पहले क्या बोला, डी पॉजिटिव होना चाहिए, तो दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, देखो आया। यस सर। तो अब बताओ The value of A is how much? 1 by 2 half minus 1 by root 2. देखो ये होता है। Yes sir. देखो did you all understand this? Yes sir. चलो लिखो फटाफट। सर वो क्वेश्चन में दिया हुआ था सर, डी इज पॉजिटिव। नहीं बेटा वो निकाला क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था ए लेस देन बी। अच्छा ठीक है, तो ये अगर दिया हुआ तो ए छोटा होने के लिए, अगर तुम्हारा ए बी माइनस डी है तो पॉजिटिव होगा डी, तभी नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। चलो डायरेक्ट जीपी का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ा जाएगा।
यस सर। सर बी इसको माइनस एसी वाला पार्ट एक बार फिर बता दे, माइनस एसी पी लिखा नहीं है। अरे अरे बी टू दी पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, दोनों का रूट लिया है तो बी स्क्वायर प्लस माइनस लोगे ना, दोनों ना वैलिड पॉसिबल होगा। समझे कि नहीं? लिखो, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल form a GP, then find tangent of the smallest angle. Then find tangent of the smallest angle. ठीक है? अब यहां ध्यान दो, राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ऐसा है, ठीक है? ये अगर ए आर है तो ये ए आर स्क्वायर, देखो ऐसा होगा। हाँ सर। अब इन तीनों में आर अगर मान लो 1 से बड़ा है तो तीनों में सबसे छोटा साइड कौन सा है? तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल मान लो थीटा, यही ना सबसे छोटा होगा? हाँ सर होगा। तो हमें tan थीटा चाहिए। यस सर। टेंजेंट का मतलब ही होता है tan थीटा। यस। अब बताओ ये क्या होता है? a by r यानी 1 by r, ये चाहिए मुझे। यस सर। अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो a प्लस का होल स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 होगा। यस सर। अब देखो ए स्क्वायर पूरे से कट गया तो आर टू दी पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आता है। यस सर। तो आर स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव और नॉट? पॉजिटिव सर। अब इतना तो बचपन में पढ़ा हो तुम लोग क्वाड्रेटिक का रूट्स। तो 1 माइनस रूट 5 तो नहीं लेगा, 1 प्लस लेगा। तो 1 प्लस रूट 5 divided by 2 whole root over, this is your r, r to 1 by r kya jayega sir? Root 2 by root of 5 plus 1, correct? Yes, chalo ab ek chhota sa question tum log kalpit karwate hain, tum log karke bataoge. Dekho ye ek circle hai, theek hai? Is circle ka radius capital r hai. सुन रहे हो? यस। अब इस इसके अंदर हमने एक स्क्वायर बनाया, ऑलराइट? यस। अब इसके अंदर फिर से एक सर्कल बनाया ऐसे, फिर इसके अंदर वापस एक सर्कल का स्क्वायर बनाया और ये प्रोसेस चलते जा रहा है, ठीक है? ये प्रोसेस कंटिन्यूड है इनफाइनाइटली। फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स फॉर्म्ड एंड आल्सो एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स फॉर्म्ड। अगर पहले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, थोड़ा सा आप मत बताइए। हाँ ठीक है, चलो तुम निकालो। क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स दैट विल बी फॉर्म्ड, सम के रूप में बताना। हाँ तो सम में आएगा यार, तुम फिर गलती कर रहे हो। नहीं नहीं, देखो जैसे पहला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ ना, तो अब तुमने अंदर एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर ये सेकंड सर्कल आया, उसका भी कुछ एरिया होगा आर के टर्म्स में। इस तीसरा सर्कल इसका एरिया होगा, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल, ये प्रोसेस कंटिन्यूड है। Yes, sir. तो वह सारे सर्कल्स का एरिया कितना होगा? दैट इज व्हाट आई वांट। देखो आई हैव गिवन यू अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर। चलो जल्दी तुम लोग आंसर निकालो पहले।
Let me see correctly who gives me the answer first. Sir, bolo. Sum of area of all the squares will be 3/2 r² sir. नहीं गड़बड़ है बेटा सर, ये होगा सर पाई आर स्क्वायर इनटू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस वन. नहीं फिर करो, फिर से करो. अक्षत गड़बड़ी में गलत आंसर निकालता है, थोड़ा सही से एकदम कैलकुलेशन करके निकालो. वो ऑब्वियस सा बात है क्योंकि हम तो ये प्रोसेस कंटिन्यू किए जा रहे हैं एंडलेसली. सर हाँ बोलो. प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 16 बाई 32 कंटिन्यू हो रहा है. तो अगर वो एक इनफाइनाइट जीपी बना तो उसका सम क्या होगा बच्चा? उसका सम भी तो होगा ना. एक आंसर शायद कुछ आया. अक्षिता तुम्हारा कुछ आंसर आया? सर आंसर दोनों का एरिया को ऐड करके देना है ना? नहीं नहीं सर्कल्स का अलग. तो सर्कल्स का मेरा सर आ रहा है 8 r² / 3 और इसका आ रहा है 4 r² / 3. गड़बड़ आ रहा है, अब यहाँ ध्यान दो. क्या गड़बड़? बेसिक रिलेशन में गड़बड़ होगा. ये देखो ध्यान से देखो, ये मान लो तुम्हारा 2 r² हाँ तुम सही बोल रहे हो. हाँ अरे सर रूट टू, टू के जगह सर रूट टू ले लिया था सर, इसलिए हो गया सर ऐसा. हाँ ये देखो ये रेडियस आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है. अब बताओ अगर ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस हाफ, हाफ ऑफ द डिस्टेंस आई एम अज्यूमिंग एक्स राइट. तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? 2x² is equal to r², yani x is equal to how much? r by root 2. Sir, बस एक बार सर आंसर क्या था बता दीजिए ना. 2 r² सर्कल का एरिया. देखो ये मान लो पहला सर्कल है ठीक है, खाली बस एक रिलेशन एस्टेब्लिश तुमको करना है. अब यहां ध्यान से देखो तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आया? देखो साइड ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज 2x यानी रूट टू टाइम्स आर करेक्ट. ये हाँ तो एरिया ऑफ देखो पहला सर्कल क्या हुआ पाई आर स्क्वायर करेक्ट. एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल क्या होगा? देखो अब ये एक्स ना है, अब देखो जब तुम सर्कल ड्रॉ करोगे तो देखो
ये ना मेरा अब रेडियस हो गया सर्कल का. तो सेकेंड सर्कल विल बी पाई एक्स स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. देखो सेकेंड वाले सर्कल का एरिया हाफ हो गया. Yes. बाहर वाले सर्कल का आया ना. यानी अब यही प्रोसेस यही चीज ना कंटिन्यू होगा. देखो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल एरिया ऑफ थर्ड सर्कल अप टू इंफिनिटी. तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू करेक्ट प्लस पाई आर स्क्वायर बाय फोर. देखो हाफ होते जाएगा इन्फिनिटी तक. तो असल में गड़बड़ी क्या की है, रेडियस की जगह डायमीटर को रेडियस लेके करना है इसलिए डबल आ रहा था. तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ ऑल द सर्कल्स फॉर्म्ड. यस सर. यस सर. अब अगला देखो. हाँ बोलो सर. डायगोनल को हम लोग डायमीटर लेके कर सकते हैं क्या? 2r इज इक्वल टू द साइड. गड़बड़ी हो गया तो वही चीज की है. तो वहीं पे तो गड़बड़ कर रहे हो. देखो ये इसका डायगोनल तुम्हारा जिसको बोलते हैं इस बाहर वाले सर्कल का डायमीटर है. ठीक है. यस सर. यही नाम यूज कर रहे हैं. तो देखो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूट टू टाइम्स द रेडियस आया. तो बताओ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा? 2r स्क्वायर होगा. यस सर. अब देखो जैसे ही तुम अगला स्क्वायर अब बनाओगे. देखो ये सर्कल मेरा बना. Yes, क्यों? Yes, तो अब अगला जो स्क्वायर होगा वो ये आएगा ऐसा. हाँ या ना? Yes, मैं आधा ही ड्रॉ कर रहा हूं. तो अब इसका साइड लेंथ क्या होगा? देखो अब ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? एक्स है. Yes, sir. तो रूट टू टाइम्स एक्स. अब देखो x एक्चुअली कितना है तुम्हारा? r by root 2. तो that will be how much? r. तो एरिया ऑफ the second square will be r square. देखो ये कितना है? आधा है previous square का. Yes sir. तो area of the first square, area of the second square, area of the third square like this up to infinity. तो this will be 2r square plus r square plus r square by 2 like this infinity तक. तो 2r square by 1 minus half and that will be how much? 4r square. तो area of all these squares will be this much. Yes sir, understood. देखो समझ में आया? देखो ये practical application of GPA. Yes sir. समझ में आया बात? Yes sir. चलो मैं क्वेश्चंस मार्क कर दूंगा इसमें से कौन